गांधी जी ने सीएफ एंड्रयू से पंडित तोताराम सनाढे का पता लगवाया और उन्होंने पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी को संपर्क किया। 1922 को पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी पंडित तोताराम और उनकी पत्नी को लेकर साबरमती आश्रम पहुंचे। गांधी जी की आज्ञा से पंडित जी अपनी पत्नी सहित वहीं रुक गए और आश्रम का और खेती का कार्यभार संभालने लगे। 4 मई 1932 को उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है। पंडित तोताराम सनाढे ने अपने जीवन में न कभी किसी से कुछ लिया न पाने की उम्मीद ही की। अपनी सारी कमाई गिरमिट को बंद करने के अभियान में लगा। अंत में वे आश्रम और देश की सेवा करते करते 1947 को अपना देह त्याग देते हैं। उनकी मृत्यु पर गांधी जी कहते हैं, वयोवृद्ध तोताराम जी किसी से भी सेवा लिए बगैर गए। वे साबरमती आश्रम के भूषण थे, भजनों के भंडार थे। अपने एक तारे और भजनों से आश्रम वासियों को मुग्ध कर देते थे। जैसे वे वैसी ही उनकी पत्नी भी थी। तोताराम जी को धरती प्यारी थी, खेती में उनके जान थी। छोटे बड़े स्त्री पुरुष उनके मार्गदर्शन के भूखे रहते। उनका देश प्रेम चाहे जिसकी तुलना में खड़ा रह सके इतना उज्ज्वल रहा। त्याग उनमें सहज ही था। परोपकाराया सताम्भिभूतयः, दूसरों पर उपकार करना अच्छे मनुष्यों की संपत्ति होती है। तोताराम जी के बारे में बिल्कुल सत्य रहा। गिरमिट की कहानी।